जिसे हम बेडरूम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बच्चे भी सो जाते हैं, हम भी सो लेते हैं, गेस्ट भी सोते हैं, सब सोते हैं। तो हमारा घर में जो भी कोई रूम है वो बेडरूम नहीं है, सब उनका माइंड है, जिसके हाथ में जो कमरा लगता है वो सो लेते हैं। ये हमारा मंदिर है, ये देखिए, और संध्या बेला हो रही है तो अब पूजा करना है। ये हमारे मंदिर का ड्रॉर है, इसमें सारा सामान रखते हैं हम मंदिर का जो भी है। ये हमारी भगवती बैठी है, माता रानी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे साईं राम जी महाराज जी। ये हमारा किचन है, एक कमरा हमारा आगे है। ये हमारा हॉल है, हमारी फिशेज हैं, और हमारा ड्यूक है, इसको वहीं जाना जहाँ हमें जाना है। हमने दिन में कपड़े धोए थे मैंने, तो सारे सूख गए हैं और इकट्ठे करके रखे हैं कुर्सी पे, उनको लेने अंदर आई थी, बाहर आई हूँ मैं यहाँ पर। और देखिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो रहा, हवा चल रही है। कल यहाँ पे बंदर बैठे हुए थे, हमारा ड्यूक बहुत भयंकर। ये देखिए अभी ड्यूक वहीं जाए, ड्यूक जंप, ड्यूक जंप, खुश जंप, जंप, बंदर आ गया, जंप, खुश खुश खुश। क्या हुआ, सिटी पिटी गुल हो गई? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ यहाँ पे खड़ा है, कितनी अच्छी आवा रही है, अंदर आने को दौड़ रहे। मैं कपड़े उठा के ले आई हूँ बाहर से, और अभी मेरे को जोत बत्ती करने से पहले एक पोछा लगाना है। मैंने सारे कपड़े यहाँ बेड पर रख दिए हैं, जब मेरे घर का काम हो जाएगा, किचन का काम हो जाएगा, तो रात को सोने से पहले इन कपड़ों की तह लगाऊंगी। ये बच्चों का कमरा था, है मतलब, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे घर में कोई किसी का कमरा नहीं है, जो जहाँ मन करता है वहाँ सो जाता है। यहाँ कूलर है, हमारा हॉल जो है दो साइड ओपन है, एक डोर इधर ही है, तो आप देख सकते हैं। बोलो, हमने यहाँ की लाइट जगा दी है, बाहर की दो टाइम जोड़ रहे हैं तो लाइट जगा दी है, और ये नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं। अब हम जा रहे हैं छत पे, आपको छत से अपने घर का व्यू दिखाते हैं। मेरे से आगे तो ड्यूक हो गया, यहाँ ऊपर एक फ्लोर और बना हुआ है, वो किसी और का है, पहले रेंट पे दे रखा था। आ जा, यहाँ पानी की टंकियाँ रखी हुई है ऊपर, और ये हमारे घर की छत से मेट्रो दिखती है, आपको जूम करके दिखाती हूँ। अब तो चली गई ब्लू वाले जो छत सी है, मेट्रो स्टेशन वहाँ चला गए। ये देखिए सामने, हमारे घर के सामने गुरुद्वारा पड़ता है, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वैष्णो माता का मंदिर है, सारे देवी देवताओं का। और इस साइड में लोगों ने गाय भी पाल रखी है। सामने धुंधला सा दिख रहा है, पर ये एशियन हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये हमारा ड्यूक ऊपर ही आता है, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करता है, शाम को थक के चला जाता है नीचे। देखिए यहाँ लोग और भी होंगे छत पे। हमारा फ्लोर जो बहुत हाइट पे है, ये देखिए हमारे घर के पास ही हुड्डा मार्केट पड़ती है, हॉस्पिटल पास में है, रेलवे स्टेशन पास में है, सब्जी मंडी पास में है, बच्चों के स्कूल पास में है, हर एक सुविधा है। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि सृष्टि चली गई साइकिलिंग करने के लिए, प्रिंस भी साइकिलिंग करने के लिए चला गया, घर में कोई नहीं। नीचे देखो मेरा ड्यूक यहाँ बैठ गया पानी में, नीचे वालों की टंकी टूटी पड़ी थी, पानी निकला होगा तो यहाँ बैठ गया ड्यूक। मैं नीचे जा रही हूँ, आपको आना होगा तो आ जाना। तो देखिए जो नीचे इतना बड़ा, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, ये सारा स्कूल भी है, मंदिर भी, मंदिर के अंदर स्कूल है। अब देखती हूँ ड्यूक आता है कि नहीं आता।
देव कहाँ है? ऊपर है ले, बाद में आ जाना। नीचे भी कुछ है, अभी मैं नीचे जा रही हूँ, बाद में आ जाना, ठीक है? बाद में आ जाना। अभी देखते हैं ड्यूक नीचे आता है कि नहीं आता है। ये हमने काउंटर रखा है बाहर शूज रखने के लिए। और अब हम पोछा लगा के कर लेते हैं साईं संध्या, पूजा के टाइम पे मिलेंगे, तब तक ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो हमने पूजा कर ली है, अपनी भगवती की, और हम बाहर जा रहे हैं। बच्चे भी गायब, बच्चे के पापा भी गायब, इसका मतलब वो सारे के सारे बाहर चले गए घूमने को, और मैं हूँ घर पे। अंधेरा है बाहर, सृष्टि का कुछ काम था। ये हमारी की लाइट, फ्रंट की लाइट है, ये सीट लाइट है, नीचे की सीढ़ियाँ, एमरजेंसी ड्रम भी रखी हुई है, कभी पानी ना आए तो पानी भर सके इसमें। और इस टाइम घर में है मैं, मेरी फिशेस, मेरा पेट डॉग ड्यूक, और ये सब भी आने वाले होंगे। और मैं इधर का क्लोज कर देती हूँ, क्योंकि सामने का ये फ्रंट में दरवाज़ा है, तो ये सीढ़ियों वाला दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ। और आज मेरी खाना बनाने की छुट्टी है, क्योंकि अभी बाहर से आए थे, तो बाहर से कुछ ले आए थे चटपटा सा बच्चों के लिए और मेरे लिए। सब्जी बची थी थोड़ी सी मटर पनीर की, और दो फुलके लगा के मैंने खा लिए, और इन लोगों ने अपने मन पर खा लिया, फिर इनका फेवरेट था। ये देखिए, अभी मैंने बेडशीट ठीक करी थी, और आप मेरी बेडशीट का हाल देख सकते हैं। अब इनके काम हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मैं टच नहीं कर सकती, एज इट इज रहने देती हूँ, अपने आप ठीक करेंगे आके। तो ये हमारा ड्यूक है, लड़ लुड़ के थक के सो गया है। बहुत अच्छा बच्चा है, ड्यूक कुत्ता नहीं है, ड्यूक कुत्ता।
यह बात समझ आनी चाहिए दिवस, तो कुत्ता है, कुत्ता है तो कुत्ता, वो तो लाल लाल है ना, जिससे कुत्ता ही है, ड्यू कुत्ता नहीं है, ड्यू क्या ड्यू क्योंकि ड्यू कुत्ता नहीं है, यह बात समझ आनी चाहिए दिवस, तो कुत्ता है, कुत्ता है तो कुत्ता, वो तो लाल लाल है ना, जिससे कुत्ता ही है, ड्यू कुत्ता नहीं है, ड्यू क्या ड्यू, अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है, ये चूना बच्चा है, ये चूना बच्चा है, चलो उतरो, उतरो नीचे, नीचे उतरो, मैं क्या कह रही हूँ, नीचे उतरो, नीचे उतरो, बहुत ही बदतमीज हो रहा है, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे ऊपर पूछ रही है नीचे उतर, चल सुपर है, किसी टाइम में चोरी हुआ करती थी, मोर दे रख दी मैं मेरी चोरी पूरा ये आज तेरे ड्यू का हाल है, ये थी आज की मेरी दिनचर्या कि सुबह 5:30 बजे उठ के चाय बनाई, खाना बनाया, बच्चों को भेजा, घर का काम किया, फेशियल भी किया, सुबह ग्लो था, शाम तक थक के ग्लो आधे से कम हो गया है, कोई बात नहीं, शरीर थक जाता है। उसके बाद बच्चे दोपहर को आए, उनके लिए उन्होंने रोटी सब्जी नहीं खाई तो उनके लिए आलू के परांठे बनाए, उन्होंने वो खाए, फिर चाय पानी पिया शाम का, और अब रात का जो भी था वो आप सबको मैंने सुबह से लेकर शाम तक का दिखा दिया। आप लोगों को मेरी दिनचर्या कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे को अब नींद आ रही है, मैं थक चुकी हूँ, तो ओके बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।